स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे चैनल ज्ञानमाला में। मैं आज लेके आई हूँ महाभारत रूपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन से कर्ण और विकर्ण के बारे में कुछ बातें। हमें लगता है कि कर्ण को न्याय नहीं मिला। कर्ण ने जन्म से ही बहुत दुख झेला। वे दयालु थे, शक्तिशाली थे, दानवीर थे। उन्हें उनके शक्ति के अनुसार मान प्रतिष्ठा नहीं मिला। उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार कुछ नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। इसलिए हम उन्हें दया और प्रेम के नजर से देखते हैं। पर मुझे लगा ये पुस्तक पढ़ के कि कर्ण से बहुत अच्छे थे विकर्ण, जो दुर्योधन के ही भाई थे। इस संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी योग्यता के अनुसार ऊंचे पद नहीं पाते हैं, फिर भी वे जीवन में किसी को हानि नहीं पहुंचाते। सबके हिस्से में कुछ न कुछ दुख दर्द तो होता ही है। कर्ण को भी अपने जीवन में दुख दर्द और अपमान बहुत झेलना पड़ा। कर्ण बहुत शक्तिशाली है ये जानकर दुर्योधन ने कर्ण को अपने पक्ष कर लिया और उन्हें राजा बना दिए। राजा बनकर भी उन्होंने क्या किया अपनी जाति अपनी समाज के लिए? वे योग्य थे तब कुछ कर सकते थे, लेकिन वे जीवन भर अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए ही लड़ते रहे। द्रौपदी का चीरहरण की बात आती है तब दुर्योधन ने दुशासन से कहा, द्रौपदी को नंगी कर दो और शीघ्र ही मेरी जांघों पर लाकर बिठा दो। फिर तो भाई की आज्ञा मानकर दुशासन उठ पड़ा। तब विकर्ण दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे कौरव कुल के राजा, आप जैसा कहते हैं वैसा वचन आपके मुख से शोभा नहीं देता। वृद्ध भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के आगे भय त्याग कर हे राजन आप ऐसा कहते हैं? यहाँ देश देश के राजा बैठे हैं, ऐसा दुर्वचन कहते तुम जानते नहीं? बड़े भाई की स्त्री को वेद माता के समान कहते हैं। हे कुरुराज, क्षण भर में तुमने उसकी लज्जा उतार डाली, अब ऐसा कहते हो कि जो सुनने से नीचों के भी हृदय में लज्जा हो रही है। हे राजन, आपकी कृति पूर्ण चंद्र समान प्रकाशित है, उसे थोड़ी ना कर डालिए। हे प्रभु, प्रेम से मेरी विनती मानकर अब द्रौपदी को त्याग दीजिए। हे नाथ, आपने बिना अपराधी धर्मराज के साथ असाधु कर्म किया है। विकर्ण के इन धर्मयुक्त नम्र वचनों को सुनकर कर्ण रोष सहित क्रोधित हो गया। कर्ण बोला, हे विकर्ण, तुम अभी बालक हो, तुम्हारी यहाँ वृद्धों जैसी बात शोभा नहीं पाती है। छोटे मुंह हमसे बड़ी बात कहते हो, इसे ज्ञानी गुरुजन और राजा कैसे सहन कर सकेंगे? यहाँ सभा तो सब गुणों की खानी है, तुम अपने को बड़ा जान कर समझते हो। गाल फुलाकर बात कर दिया, सबको छोटा कर देना चाहते हो। युवा लोग तो राजाओं की बुद्धि के योग्य नहीं है, तुम जानते ही नहीं, सब लोग तुम्हें देखकर हंस रहे हैं। अभी बालकों में मिलकर जाकर धनुष बाण खेलो, राजाओं को शिक्षा मत दो, क्योंकि अभी ज्ञान रहित शिष्य हो। बालक के समान घर में रहकर भोजन करो और अपने मन में किंचित अर्थात थोड़ा भी अभिमान ना रखो। दुर्योधन की आज्ञा मानो और आदर सहित घर के सब कार्य करो। इस पर विकर्ण ने कहा, अच्छा तो हे राजन, मेरे हृदय की बात सुनिए, अब होनहार कुछ अच्छा नहीं है। जैसा राजा है वैसा ही बुद्धिमान मंत्री भी है। ऐसा कहकर विकर्ण अपने घर को चला गया। जब जब दुर्योधन ने पांडवों के साथ अन्याय करने का विचार किया, तब तब विकर्ण ने
अपनी बात रखी है, पर कर्ण ने तब तब दुर्योधन को साथ दिया। जब जब दुर्योधन ने पांडवों के साथ अत्याचार किया, दुर्व्यवहार किया, तब तब कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर दुर्योधन का शक्ति बढ़ाया। कर्ण के हृदय में दया होता तो एक स्त्री को इतनी भरी सभा में इतना बड़ा अपमान नहीं करता। अपमान भी क्या कहे, वे तो द्रौपदी के लिए मृत्युदंड था, जीते जी वे मर गई। कर्ण के हृदय में थोड़ा भी दया नहीं आया। कर्ण बहुत शक्तिशाली थे, ऐसा हम जानते हैं। उन्होंने शक्ति का परिचय कैसे दिया, एक स्त्री को भरी सभा में अपमान करके। कहा जाता है कि उनका बहुत बार अपमान हुआ था, पर अपमान का बदला तो युद्ध करके देना चाहिए था, पांडवों के साथ युद्ध करना चाहिए था, पर एक स्त्री को इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए था। इसीलिए कर्ण से ऊंचा स्थान तो विकर्ण को ही देना चाहिए था। ऐसा शक्ति किस काम का जो दुर्योधन को अत्याचार करने में और सहायक बन गया। अपनी अपनी कर्म का फल सबको ही भोगना पड़ता है। कर्ण ने भी अपने ही कर्म का फल भोगा है। कर्ण के प्रति जो हम दया और प्रेम दिखाते हैं, वे इसका पात्र नहीं थे।